Welcome, this video is for class 6A and B. Today we are going to study chapter 5, उपसर्ग. उपसर्ग का मतलब होता है prefix, ठीक है? English में हम लोग prefix कहते हैं. तो उपसर्ग किसे कहते हैं? देखते हैं इसका definition. जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं. तो इसका क्या मतलब हो रहा है? एक शब्द दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग एक कुछ शब्दांश लगा रहे हैं. ये शब्दांश लगाने से एक नया उसका अर्थ निकल जाता है, एक नया शब्द का निर्माण होता है और इसका वो शब्द का अलग मीनिंग होता है, ठीक है? तो उसे उपसर्ग कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, शिखा अकेले में डर जाती है. तो यहाँ पहला सेंटेंस में डर जो है वो एक शब्द है, ठीक है? तो दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, शिखा को नीडर होना चाहिए. तो यहाँ पर डर ये एक मूल शब्द है, उससे पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं? नी लगा रहे हैं. तो नी ये दूसरा शब्द बन रहा है. क्या शब्द बन रहा है? नीडर बन रहा है. एक नए शब्द का निर्माण हुआ. कैसे हुआ नए शब्द का निर्माण? डर के आगे हम लोग कौन सा शब्दांश लगा रहे हैं? नी लगा रहे हैं. तो नी हो जा रहा है उपसर्ग, ठीक है? तो नीडर, डर का मतलब होता है भयभीत होना, ठीक है? जो इंसान डर जाता है. और नीडर का मतलब होता है जो बिना भयभीत होना, बिना डरे, ठीक है? तो ये एक नए शब्द का निर्माण हुआ और इसका अर्थ भी अर्थ अलग हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है? डर से पूरा ऑपोजिट इसका अर्थ हो जाता है. वैसे ही दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए. तो आदर होता है मतलब इज्जत करना, ठीक है? हमें बड़ों के अनादर से बचना चाहिए. अब आदर के आगे हम लोग क्या लगा दे रहे हैं? अन लगा दे रहे हैं. तो ये क्या हो जा रहा है? अनादर हो जा रहा है. तो अन है उपसर्ग. तो ये एक नए शब्द का निर्माण हुआ और जिसका अर्थ पूरा डिफरेंट हो गया आदर से. आदर का मतलब है इज्जत करना, अनादर का मतलब है बेइज्जत करना, ठीक है? मतलब उसका इज्जत ना करना. तो उपसर्ग समझ में आया? उपसर्ग वो होता है जो हम लोग एक शब्द से शब्द के आगे एक शब्दांश लगाते हैं, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है और उसका अर्थ पूरा डिफरेंट होता है, ठीक है? आइए उसके भेद को देखते हैं. उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के चार भेद होते हैं, ठीक है? नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग, नंबर 4 उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय. अब इसे बारी बारी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है? पहला है संस्कृत के उपसर्ग. संस्कृत, हम लोग संस्कृत भाषा से ये उपसर्ग लेते हैं, ठीक है? संस्कृत भाषा से जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, प्र ये उपसर्ग है, बल ये मूल शब्द है, ठीक है? मूल शब्द के आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं? प्र लगा रहे हैं. तो एक नया शब्द बन रहा है. क्या बन रहा है? प्रबल, ठीक है? बल का मतलब होता है शक्तिशाली और प्र लगा दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है प्रबल, ठीक है? वैसे ही दूसरा है प्र हार. हार का मतलब होता है हार जाना जैसे, ठीक है? और प्र उसके आगे हम लोग क्या लगा दे रहे हैं? प्र लगा दे रहे हैं. तो ये उपसर्ग है. प्र जो है वो उपसर्ग है. प्र हार के आगे हम लोग प्र लगा दिया तो क्या हो जा रहा है? प्रहार. प्रहार का मतलब होता है आक्रमण करना. तो ये पूरा डिफरेंट मीनिंग हो गया. हार का मतलब होता है शक्ति, मतलब हार जाना, ठीक है? मगर प्रहार का मतलब होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना, ठीक है? ये डिफरेंट मीनिंग हो गया. तो ये उपसर्ग शब्द हो गया, ठीक है? उप का मतलब होता है छोटा, ठीक है? और मंत्री, मंत्री है मूल शब्द. मंत्री के आगे हम लोग अगर उप लगा रहे हैं तो हो जाता है उपमंत्री. मतलब इसका मतलब हो जा रहा है छोटा मंत्री, ठीक है? मंत्री एक अलग हुआ, ठीक है? लीडर जिसे कहते हैं, उसके आगे हम लोग उप लगा रहे हैं तो ये हो जा रहा है उपमंत्री, मतलब छोटा मंत्री. दुर मतलब बुरा, बुरा. दशा मतलब कंडीशन, मतलब उसका स्थिति, ठीक है? तो दशा के आगे हम लोग दुर लगा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? नए शब्द का निर्माण हो रहा है, दुर्दशा. तो दुर्दशा का मतलब बुरा स्थिति, ठीक है? ये हो जाता है संस्कृत के उपसर्ग. अब दूसरा हम लोग जाते हैं हिंदी के उपसर्ग. हिंदी के उपसर्ग में ये आता है, जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, टल, ठीक है? टल मतलब होता है किसी चीज को टालना या किसी बात को टालना, ठीक है? उसके आगे हम लोग अ लगा दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है अटल. मतलब अटल का मतलब हो जाता है कि हम किसी बात को टाल नहीं सकते,
टल का मतलब होता है टाल देना, ठीक है, मगर ये एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, अ लगा के, ये उपसर्ग शब्द हो गया और इसका एक मतलब हो जाता है बिना टाले, हम लोग ये टाल नहीं सकते किसी बात को, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, संग, संग मतलब किसी का साथ, ठीक है, उसके आगे हम लोग कु लगा दे रहे हैं, कु का मतलब होता है बुरा, ठीक है, तो क्या वर्ड, एक नया वर्ड क्या बन रहा है, कुसंग, कुसंग का मतलब क्या हो जाता है, बुरा संगति, ठीक है। वैसे ही देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, पेट, पेट जो है ये मूल शब्द है और इसके आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, भर, तो क्या हो जा रहा है, एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है, भर पेट, ठीक है, तो ये भर पेट हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग। पुत्र, पुत्र बेटा को कहते हैं, ठीक है, उससे आगे हम लोग सु लगा रहे हैं, सु का मतलब होता है अच्छा, तो क्या एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है, क्या है, सुपुत्र, तो सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा बेटा, ठीक है। दूसरा थर्ड वन में आते हैं हम लोग उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग हम लोग उर्दू भाषा से लेते हैं या इसमें उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से उर्दू के उपसर्ग हम लोग लेते हैं, ठीक है, उपसर्ग वहां से आता है उर्दू और फारसी भाषा से। लेट्स सी द एग्जाम्पल, पड़वा, पड़वा मतलब किसी चीज का चिंता करना, किसी का, किसी की चिंता करना, ठीक है, उसके आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, ला, तो ला का मतलब होता है बिना, मतलब ला पड़वा हो जा रहा है, एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, ला पड़वा, ठीक है, तो ला पड़वा का क्या मतलब होता है, बिना पड़वा किए, ठीक है। काम, काम का मतलब होता है कोई भी काम जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, ना का मतलब, उसके आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, ना लगा रहे हैं, तो ना काम हो जा रहा है, एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, नाकाम मतलब कामयाब नहीं होना, नाकाम रहना, ठीक है, कोई काम है हम लोग कामयाब नहीं होता तो हम लोग क्या कहते हैं, नाकाम हो गए हम लोग, ठीक है, कामयाब नहीं हुए, तो ये हो जाएगा एक नया शब्द, ये शब्द क्या बन जा रहा है, उपसर्ग शब्द बन जा रहा है। घड़ी, घड़ी मतलब वक्त होता है, टाइम होता है, ठीक है। हर, उसके आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, हर लगा रहे हैं, हर घड़ी, हर का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर घड़ी, मतलब हर एक सेकंड, हर एक वक्त, ठीक है। नाम, नाम के आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, बद, तो क्या हो जा रहा है, बदनाम, तो नाम का मतलब होता है किसी चीज का नाम होना, ठीक है, और बद लगा रहे हैं तो इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जा रहा है, ये एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है और इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जा रहा है, तो ये उपसर्ग शब्द बन जा रहा है, तो बदनाम मतलब हम किसी चीज में बदनाम हो गए, किसी वजह से बदनाम हो गए, ठीक है। लास्ट फोर्थ, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, ये हम लोग संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय से ये उपसर्ग हम लोग लेते हैं, जैसे देश, देश के आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, स्वर, स्वर का मतलब होता है अपना, ठीक है, तो क्या बन जा रहा है, स्वदेश, एक नया शब्द बन रहा है, स्वदेश, तो स्वदेश का मतलब हो गया अपना देश। कार, कार का मतलब, कार के आगे क्या लगा रहे, तिरस, तो क्या नया शब्द का निर्माण हो रहा है, तिरस्कार। आत्मा, आत्मा क्या, आत्मा के आगे हम लोग क्या लगा रहे, अंतर, अंतर का क्या मतलब होता है, अंदर, ठीक है, अंदर, तो क्या नया शब्द क्या हो रहा है, कौन सा नया शब्द का निर्माण हो रहा है, अंतर आत्मा, मतलब अंदर, अंदर की आत्मा, ठीक है। जन्म, जन्म मतलब बर्थ होता है, ठीक है, और जन्म से पहले हम लोग क्या लगा रहे, पुन, पुन मतलब फिर से, ठीक है, तो पुनर्जन्म हो जा रहा है, पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म जो होता है, ठीक है, तो ये सब उपसर्ग शब्द हो गया, ठीक है, तो इससे ये आज के चैप्टर में हम लोग ये क्या पढ़ रहा है, उपसर्ग क्या किसे कहते हैं, वो शब्द, उपसर्ग वो शब्दांश है, वो पूरा शब्द नहीं है, एक पार्ट है शब्द का जो मूल शब्द से पहले हम लोग लगाते हैं और जिसके कारण एक नया शब्द का निर्माण होता है और उसका उसका अर्थ भी अलग होता है, वो शब्द को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं, तो उपसर्ग जो है वो एक शब्दांश है, एक पार्ट है शब्द का, पूरा शब्द नहीं है वो, ठीक है, जैसे ये पूरा शब्द नहीं है, सर्व, तिरस, अंतर, ये पुन, ये एक पार्ट है शब्द का, ये पूरा शब्द नहीं है, पूरा मूल शब्द ये माना जाता है, देश, कार, तो मूल शब्द के आगे हम लोग शब्दांश लगा रहे हैं और उसके इससे इससे क्या हो रहा है, एक नया शब्द निर्माण हो रहा है, एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं।
उपसर्गों का कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और उपसर्ग जो है वो कभी भी अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो मूल शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आप लोगों का होमवर्क रहेगा पेज 30, पहले एक चैप्टर के को गो थ्रू करिएगा, चैप्टर पढ़िएगा, फिर पेज 36 और 37 में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, मगर आप लोगों को सिर्फ 36 और 37 करना है, पेज 36 और 37 करना है। एक्सरसाइज घर से लेके 6 तक हम एग्जाम्पल एक एक बता दे रहे हैं, उसी हिसाब से करना है। एग्जाम्पल घर में देखिएगा, मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग लिखना है। ये एग्जाम जैसे नंबर 1 अनुरूप, यहाँ पर हम लोग को डिवाइड करना है कौन सा मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है। तो अनुरूप में कौन सा मूल शब्द हो गया, रूप जो है वो मूल शब्द हो गया, और उससे पहले हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, कौन सा शब्दांश जोड़ रहे हैं, अनु जोड़ रहे हैं, तो अनु हो जाएगा उपसर्ग। समझ में आया, तो इसी प्रकार आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। दूसरा एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, उपसर्गों के शब्द बनाइए। तो उपसर्गों से हम लोग को शब्द बनाना है, उपसर्ग दिया हुआ है उससे हम लोग को शब्द लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, उठ उपसर्ग है। ठीक है, अब इससे हम लोग को एक शब्द लिखना है, उठ से क्या कौन सा शब्द बन सकता है, तो क्या बन सकता है, उत्कर्ष बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको और आगे वो कंप्लीट करना है वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6 में देखिए क्या करना है, उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाना है। उपसर्ग को जोड़कर एक नया शब्द, वहां पर मूल शब्द दिया हुआ है उससे आगे उसके आगे आपको उपसर्ग लगाना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे फल, ये मूल शब्द है, इससे इसके आगे हम लोग कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं, स लगा सकते हैं, तो क्या एक नया शब्द कौन सा बन जाएगा, स फल बन जाएगा। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल एक एक बता दे रहे हैं, इसी हिसाब से आपको ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। और एक्सरसाइज 6 में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, 3 क्वेश्चन आंसर है, बहुत इजी है, वो आपको चैप्टर के अंदर से ही मिल जाएगा। ये नंबर 1, 2 और 3, ये पूरा एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज है, ये होमवर्क कॉपी में अपने कॉपी में करिएगा और फिर फोटो क्लिक करके ये जब ऑनलाइन क्लास होंगे तब आपको सेंड कर देना है। ठीक है, थैंक यू।